हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्कशॉप क्या होता है। रेलवे का वर्कशॉप इस प्रकार से उसमें वर्किंग रहता है, जो भी कोचेस या वेगन जो होता है पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन का, उसका मेंटेनेंस या जो गुड्स ट्रेन होता है उसका, वेगन जो होता है उसका मेंटेनेंस किया जाता है, या व्हील और एक्सल वगैरह जो होता है उसका भी वर्कशॉप में जो है मेंटेनेंस किया जाता है। इसी प्रकार जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में जो है नए इंजन हो सकता है या कोचेस होता है या वेगन, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है। तो यही डिफरेंस है, जहाँ पे पैदा किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है उसको प्रोडक्शन यूनिट बोला जाता है, जहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है उसको वर्कशॉप बोला जाता है। तो आप ध्यान रखें, जहाँ पे कोचेस वेगन एक्सल व्हील इसका मेंटेनेंस किया जाता है उसको वर्कशॉप, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है व्हील का भी हो सकता है, कोचेस का भी हो सकता है, वेगन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंजन का भी हो सकता है, उसको प्रोडक्शन यूनिट बोला जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में क्या डिफरेंस है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।